सम्मान के साथ समझौता नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बदतमीजी नहीं। ये नीचे बैठ के क्या कर रहा है? अरे अम्मा, आप जाकर चाय बनाइए। मेरी बदतमीजी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, देख लेना तुम। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। तकलीफ सहने की आदत तो हो ही गई है इसे, और सहे तकलीफ। आई भीम भाव के घर वाले कहीं दिख नहीं रहे हैं। ना रमा है, ना उनके दोनों साला साली। कब खाना बनाएंगे ये लोग और कब खाएंगे? लक्ष्मी, तुम्हें भी ना हमेशा दूसरों की पड़ी होती है। अरे हमें क्या, हमारा खाना बन गया है ना, वो देखेंगे अपना। वैसे आई, रमा आएगी तो बर्तन में भी हिस्सेदारी मांगेगी। एक कटोरी भी नहीं मिलेगी उसे हिस्से की। उसके बाप ने कमा के लाया है या पति ने? कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत ठीक है। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? काम ज्यादा था इसलिए, और घर में कुछ अनाज भी नहीं थे तो अनाज के पैसों की व्यवस्था की। मैं बर्तन लाती हूँ और खाना बनाती हूँ। नहीं, बर्तन नहीं मांगना है उनसे। क्यों? और बिना बर्तन के खाना कैसे बनेगा? खाना तो बनाएंगे, भूख लगी है, लेकिन उनसे बर्तन नहीं लेंगे, क्योंकि कब से ये दोनों यहां बैठकर मुझे यही सब सुना रही है। एक भी बर्तन नहीं लेंगे। अरे ऐसे कैसे भीम, पड़ोसी कब काम आएंगे? पड़ोसी को बर्तन देने की परंपरा पुरानी है, और जब भी रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो पड़ोसी तो उसको बचाते हैं। तू रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। चल उठ यहां से, हटो यहां से। बर्तन नहीं देंगी आप? वैसे कैसे नहीं देगी बर्तन? क्योंकि मैं कह रही हूं। मैं देखती हूँ कैसे रोकती है तू मुझे। आप नहीं देंगी बर्तन। जीजा भाई, बुआ। ए, पीछे बुआ, आप परेशान मत होइए। आज रमा भाई खाना बनाएगी भी और अपने पति को खिलाएगी भी, और इस घर का एक बर्तन भी नहीं लेगी। अच्छी बात है। और रमा, इस नई गृहस्थी को बसाने में तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देगा। चलो। हमें पैसे दीजिए। पैसे? खाने के पैसे? चूड़ियां बिकवाने में हमने आपकी मदद की थी ना, उसके बदले आपने हमें पैसे देने के लिए कहा था। अरे तुम लोग तो बाजार में ऐसे भटकते हुए चले जा रहे थे। अरे मैंने सोचा ऐसे चिल्लाने से अच्छा है हमारे लिए चिल्लाओ। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे मत कीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अच्छा बेटा, पैसों की तो सबको जरूरत है। देखो आज तुम्हारा चिल्लाने का अभ्यास हो गया ना, कल ऐसे ही चिल्लाना, कोई ना कोई
ढंग की नौकरी तो तुमको मिल ही जाएगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। हमने आपकी मदद की थी ना, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे दूर हटो, छोटी जाति के होकर हमको छू रहे हैं, खुद तो निकृष्ट हैं, हमको ही भ्रष्ट करने चले। इतने पत्थरों से चूल्हा बन जाएगा ना? हाँ, बन तो जाना चाहिए। खाना तो हम बना लेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, शंकर और छोटे दिखे नहीं घर में। बच्चे खेलते होंगे। लेकिन इतनी देर, पहले घर चल के खाना बनाते हैं, वो आ जाएंगे। अब चलिए। चलो। रमा, ये सब्जी, ये सामान, इस सब के लिए पैसे कहाँ से लाए? जहाँ काम करती थी वहां से उधार लाई। रखो। रमा जी। बुआ। आशा बेटा, ये ले, ये भी ले। जीजा भाई, ये लकड़ियां मैं बाहर से लेकर आई हूँ, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन चाहिए रहते हैं ना? हम तो बस ये देखने के लिए बैठे हैं कि ये लोग बर्तन लाते कहाँ से। कहां से क्या? रमा जाएगी ना डलिया अम्मा के घर, बोलेगी एक बर्तन दे दो। क्यों रमा? इतने सालों तक घर वालों पर आश्रित रहकर जी रहे थे, अभी चाल वालों पर आश्रित होकर जिएंगे। वैसे ये बर्तन अब किसी काम का नहीं, इसे तुम इस कोने में रख दो। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आती हूँ। देखा, दलिया अम्मा के पास ही गई होगी। भीम, ला दे, मैं सब्जियां काट देती हूँ। नहीं नहीं बुआ, ठीक है। दीदी, आप घर के इस हिस्से में रहती है ना, इतना ही काम करना है तो इस हिस्से में आकर करिए। वहाँ क्या कर रही है? जीजा भाई, मेरे ऊपर शासन चलाने की कोशिश मत करना। हाँ मेरा जीजा भाई सही तो कह रही है। चलो अपने हिस्से में चलो। भैया, ईमा और रामा को जो करना है उन्हें करने दो। लक्ष्मी, बन गया खाना? हाँ, आज मीठी रोटी और खीर बनी है। खाना खाने की तैयारी करो, तब तक पुरंजन भी आ जाएगा, साथ में खाना खाते हैं। बर्तन लाने के लिए कहाँ गई होगी अभी रमा?
रखा था बर्तन, कहाँ चला गया? यहाँ से बर्तन उठा के ले जाओ या नहीं? कहाँ से क्या, रमा जाएगी ना डलिया अम्मा के घर, बोलेगी एक बर्तन दे दो। इतने सालों तक घर वालों पर आश्रित रहकर जी रहे थे, अभी चाल वालों पर आश्रित होकर जिएंगे। जीजा जी और दीदी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन भैया ये चोट लगी है, दर्द हो रहा है, उसका क्या? अरे कुछ और बहाना कर लेंगे। जीजा जी और दीदी हमारे लिए इतनी तकलीफ झेल रहे हैं तो हम थोड़ा डरने झेल सकते। भैया आप सही कह रहे हो, ले आई बर्तन। कहाँ से लाई बर्तन? बस किसी से मांग कर नहीं लाया, पहले खाना बनाते हैं ना। शंकर छोटी उधर मत जा, कहाँ गए थे तुम दोनों? बस खेल रहे थे। खेलते ही रहो बस तुम दोनों, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। बुद्धि खुली नहीं क्या तेरी अभी तक? तेरे पति पढ़ पढ़ के बैरिस्टर के दरवाजे तक गए, लेकिन क्या पाए? ये लकड़ी सब्जी है ना, लेकिन फिर भी तू अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ाने के पीछे लगी है। ऐसा है ना लक्ष्मी जी, कि दीदी से जेठानी, जेठानी से पड़ोसी, इसलिए धीरे धीरे लिहाज कम होता गया। और आप ज्यादा मत बोलिए, आप अपना काम कीजिए। रमा तुम भी इस घर में बहू बनकर आई थी, बहू से सेठानी बनने के सपने चूर चूर हो गए ना तुम्हारे। इस घर का बंटवारा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोलती जाओगी। रमा जाने दो ना, उन्हें बोल के खुशी मिल रही है ना तो बोलने दो। नहीं रहने दूंगी, अब जाइए, अब अपना घर देखिए, मैं अपना घर देख लूंगी। इस कढ़ाई को उल्टी करके रोटी बनाते हैं और इसी में सब्जी बनाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, भीम और रमा बेचारे खाना बनाने के लिए जूझ रहे हैं और मैं यहाँ चुपचाप बैठी हूँ।
लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, करने दूंगी उनको। ठीक कर रही अम्मा, करने दो अकेले सब। जब पति पत्नी में प्यार होता है ना तो संसार बस जाता है, जब प्यार खत्म हो जाए सब बर्बाद हो जाता है। हम तो एक ही जिंदगी में दोनों चीज देख डरे। नूतन कहाँ जा रही है इतनी रात को? तुमको क्या लेने देना, मैं कहीं पे भी जाऊँ। जो खुश लड़बड़ के जा रही हो का? रे नूतन, अरे बाहर कहाँ घूम रही है, चल भीतर सो। मैं अब जाइए ना, अंदर जाके सो जाइए, मैं यही ठीक हूँ। कहीं रहे ना, चल, नाटक कर रही है। मैं फुलिया नहीं हूँ कि जो कहोगे वो करूंगी, समझे? अरे तुम पति पत्नी को आपस में जो करना हो करो, लेकिन हमारा नाम बीच में मत लाओ। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। अरे रुक, जोखू, पहले हम सोचत रहे कि हमरे ही अंदर कोई कमी है, इसलिए हमरा तुम्हारा रिश्ता टूट गवा। लेकिन अब हमका विश्वास भी गवाए कि कमी हम में ना ही रही, कमी तो तुम में है। कहे कि तुम तो नूतन के साथ भी खुश नहीं रह पाए। कमी चाहे तोहरे में होए चाहे हमरे में, लेकिन एक तो बात तो बिल्कुल सही है कि अब तक हमका फूटी आंख ना सुहाती है, यही लिए कसम से तू हमरे सामने ना आया कर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम मर ही कहे न जाए, समझे? कैसी बनी है? ये ले। इतनी मीठी रोटी बनाई कैसे? हाथों से। आज भीमा भाई जिंदा होती तो देखती कि तुमने बचपन में भीम को रोटी बनाने से नहीं रोका, तो आज वो रोटी भी बना रहा है। सही कहूँ तो हमारा भीम हर तरह से काबिल हो गया है। आज तुम होती तो भीम और रमा को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती। चलो तुम्हारे हिस्से की भी खुशी मैं महसूस कर लेता हूँ। अच्छी बनी है मीठी रोटी। बाबा, बाबा, बेटे के साथ खाने की बहुत जल्दी रहती थी ना आपको, अब खाइए अलग, बस देखते जाइए। ये मुस्कान चेहरे से छीन कर बेटे के खातिर तड़पने पर मजबूर ना कर दूं तो मेरा नाम भी चीजा भाई नहीं। शंकर, इस तरह से वाह मत देख, अपना खाना बन जाएगा थोड़ी देर में। हाँ रुको, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर बैठता हूं। खाना तो हो गया है ना आपका, फिर ऐसी झूठी थाली लेकर बैठने का क्या मतलब? और बाबा, अगर आप नहीं भी बैठेंगे ना तो भी भीमभाव और अम्मा खा लेंगे। लक्ष्मी, मेरा खाना अभी खत्म नहीं हुआ। उसमें जो सब्जी बन रही है ना, उसकी महक यहां तक आ रही है। मैं सोच रहा हूं थोड़ा चक्कर आता हूं।